हो गए 2-3 मिनट तो शुरू हो जाएंगे सर। देखो ये जो मशीन के राही है ये तो है खनौरी तो मकरोड़ साहब तक 32 लाख का टेंडर, तो मनरेगा के 78 लाख रुपया इसकी सफाई का लग मनरेगा राही लग रहा। यह खनौरी तो मकरोड़ साहब तक हो गया, अगे मकरोड़ साहब तो कड़ैल तक है जोड़ा वो मशीन के राही है 49 लाख का प्रोजेक्ट, तो मनरेगा के राही 82 लाख। इस तरीके दे नाल अपना जिहड़ा हल्के लहरे दे विच खनौरी तो लैके कड़ैल तक मुकम्मल सफाई का जिहड़ा काम है वो अपना शुरू हो चुके है। ते बरसात दे समय तो पहला बरसातों तो पहला इस काम नूं मुकम्मल किया जाऊगा। असीं पिछले साल भी मई दे महीने च पूरा कर लिया सी। हुण जिहड़ा मकरोड़ तो कड़ैल तक से पहला वीडियो ब्लॉग ने किया एक्ती पंचायती राज वाले ने कर रहे, वो आपस के थोड़ा जहा फर्क आया भी वह हैड बदलन दे विच टाइम थोड़ा जहा लग गया, पर क्योंकि 30-36 जिहड़ा हुंदा इह सीजन हुंदा फलड्डां दा ते टीचा तो उस तो पहला दा, पर असी मैं अधिकारियों नूं कहा कि कुछ दिनों के विच ही मशीनां वध लगा के असी सारी इहदी सफाई कर लांगे ते लोगों की तसली मुताबक करा, लोग खुद खड़े होकर सफाई कराने जिथे भी किसी न किसी दी, क्योंकि मच बैटर वो लोग जानते हैं जिड़े इतने इस घग्गर तो की मार चाहते ने घग्गर की जिन्होंने तकलीफ आ उन्होंने पता भी इतों आए सफाई हो जाए इतों आए हो जाए। सो इस करके असी यह फैसला किया कि लोगों की तसली मुताबक लोग खुद खड़े होकर करा, और मैं थोड़े राही ये भी सारे नूं सद्दा दिना कि जो भी जिस तरीके नाल लोग चाहणगे आप अगे आउण ते आप आके दसन भी इस तरीके नाल होनी चाहिए, उस तरीके नाल असीं सफाई है जिहड़ी ये कराउण जा रही। सर जिहड़ा सफाई का कम है खनौरी तों अगे स्टार्ट किया गया जदकि पिछे हरियाणे तो भी जिहड़ा आउंदा है घग्गर दा? देखो पिछे हरियाणे वाले देख रहे ने आपां, क्योंकि पानी जिहड़ा उत्थे आ गया अपना मकसद यह भी उस वो पानी सही तरीके दे नाल अपने हल्के दे विचों लंघ के हरियाणा दे विच एंटर कर जाए, अपना मकसद सिर्फ यही है। जो इस डाफ लग जाती है मिट्टी जमा हो जाती है जिदे करके बैक मारदा पानी जां टुट जाता है जिहड़ा घग्गर है वो सारा प्रबंध है जिहड़ा वो अपना है, टुट जाता है जिहड़ा घग्गर है वो सारा प्रबंध है जिहड़ा वो अपना है। आपां आपदे हल्के दे विच लहरे दे विच एक करीब 42 किलोमीटर जिहड़ा घग्गर है वह लगता है, ये 42 किलोमीटर की सफाई है जिहड़ी वो सही तरीके नाल हो के सही पानी जिवें पिछों उहदा अगे लंघ जावे ये अपना इहदे च मकसद है। ते बाकी घग्गर दे बारे सरकार पूरी तरह यह तही है सरकार का कि घग्गर की जो बड़ी मार पिछले बड़े लंबे समय तो लोगों को हो रही थी ये तो लोगों को राहत दिलाई जाए। कल मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने मीटिंग भी की है तो जिहड़ा खनौर अपना मकरोड़ तो कड़ैल तक चौड़ा करन दा उहदे बारे चर्चा की है, तो आ जिहड़ा काला पानी आउंदा ये असी हर हफ्ते चैक करा रहे हैं, इहदे पिछे जिहड़ी घग्गर ते बुढ़ा नाला कमेटी बनी हुई है पिछे उस कमेटी ने इत्थे विजिट भी की थी सारा देख के भी गए ने। सो इस गल ते भी लगे हुए हैं कि यह जिहड़ा दूषित पानी पिछे भावें हरियाणे तो आउंदा भावें वह हिमाचल तो आंदा भावें चंडीगढ़ तो आंदा वो सारा जिहड़ा इकट्ठा हो के साडे इत्थे सरते आउंदा भी उत्थे पानी ट्रीट करके वो पानी इत्थे घग्गर दे विच पाया जाए तां जो जिहड़ी इह मुसीबत बीमारियां फैल रही ने होर फैल रही ने इस गल तो भी लोगों को राहत मिल सके। तो सरकार इस दे लई पूरी तरह यतनशील है, सुप्रीम कोर्ट के भी जो केस चल रहा है वो पूरे ढंग के नाल पैरवी की जा रही है।
सो जे हरियाणा सरकार राजस्थान भी पार्टी है ते हरियाणा सरकार भी पार्टी वो सरकार वो जिवें गड्डे नाल कट्टा बन दिंदे आ हुण इस गल नूं एस वाई एल दे नाल जोड़ी खड़े हैं। पर मैं समझदा कि सरकार नूं इह चाहीदा लोक तां आपदे ने ना सारे हुण जे असीं कहीए हरियाणे दे लोक ओह वी साडे इंसान तां इंसान ने जे कोई उहनां दा नुकसान हुंदा तां साडा नुकसान हुंदा। सो हरियाणा सरकार नूं इह सोचना चाहीदा कि उन्होंने अड़ियल रवैये करके साडा बड़ा भारी नुकसान होंगे। सो अड़ियल रवैया छड़ना चाहिए लोगों के हित की गल करनी चाहिए। सरकार होंगे भावें किसी पार्टी की होवे सरकार का मतलब यह है भी असी लोगों के हितों की गल। सो ये जो नहीं कर रहे पर फिर भी जी पंजाब सरकार है पूरी तरह लगी हुई है तो घग्गर का स्थाई हल है जितों तक मैं उम्मीद है सर। पंजाब सरकार वालों जी बुढ़ा नाला ते घग्गर की जी कोर कमेटी विधायक बनाई गई थी विधायकों की 3 महीने पहले तो विजिट हो सीटा की निकला दूषित पानी रोकने वास्ते। देखो वो पिछे साड़ी हम बुधवार को कल फिर मीटिंग जी है।